हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस एक्स्ट्रा क्लास। आज हम आर्ट एंड कल्चर में जो हमारा बच गया है उसको हम देखेंगे। मोटा मोटा जो हमारा बचा है वो है पेंटिंग्स। पेंटिंग्स ही मेनली हमको देखनी है। थोड़े बहुत हैंडीक्राफ्ट्स देखेंगे, थोड़े बहुत फेयर्स एंड फेस्टिवल्स देखेंगे, इंडिया की लैंग्वेजेस देखेंगे, और फिर अगर थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं आपका इंडिया के आर्किटेक्चर का रिविज़न करवा दूँगा। ओके, दैट इज द प्लान। चलो शुरू करते हैं। फास्ट तो हम शुरू करते हैं पेंटिंग से। चलो, द पेंटिंग्स इन इंडिया, राइट, इंडियन पेंटिंग्स। तो सबसे पहले देख लो, द हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग कैन बी नोन फ्रॉम प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग्स। प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग्स भीमबेटका, मिर्जापुर और पंचमढ़ी। ठीक है, मेनली हमें जो प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग, प्रिमिटिव का मतलब हो गया कि आदिवासी लोगों के द्वारा बहुत पहले, जब से हिस्ट्री भी चालू नहीं हुई। हम इंडिया में हिस्ट्री की शुरुआत कब से मानते हैं? सबसे पुरानी हिस्ट्री अगर हम इंडिया में देखते हैं 2500 BC वाली, वो है सिंधु घाटी सभ्यता। उससे भी पहले की पेंटिंग्स कहलाती हैं प्रिमिटिव पेंटिंग्स, प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग्स, और वो हमें मेनली मिली है भीमबेटका में। भीमबेटका कहाँ है? एमपी में। एमपी के भीमबेटका में हमें प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग्स मिली हैं। ठीक, इसके अलावा हमें क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी रॉक पेंटिंग्स या किसी भी प्रकार की पेंटिंग देखने को मिली है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमें रॉक पेंटिंग तो देखने को नहीं मिली, पर हमें पेंटेड पॉटरी देखने को मिली। ठीक है ना, घड़े वगैरह, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनते थे और फिर उस पर पेंटिंग हो जाती थी। आपको पता है हम उसको पेंटेड ग्रेवेयर उस टाइम बोलते थे, PGW। ओके, तो ये सब था। इन द 3rd century AD, वात्स्यायन इन हिज बुक कामा सूत्र enumerated about 6 main principles of Shadanga of paintings। तो आप ध्यान रखना कि ये सब तो ठीक है, पर पेंटिंग के बारे में अगर हमें सबसे पहले कहीं मिला पढ़ने के लिए तो वो है वात्स्यायन का कामसूत्र। और वात्स्यायन का कामसूत्र कब लिखा गया था? 3rd century AD में। इसमें हमें पेंटिंग के षडांग देखने को मिलते हैं। षडांग मतलब पेंटिंग के 6 अंग देखने को मिलते हैं। आपके लिए 6 अंग इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हमको पेंटिंग नहीं सीखनी। पेंटिंग के 6 अंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हमें ये जानना चाहिए कि पेंटिंग के 6 अंग वात्स्यायन की कामसूत्र पुस्तक जो 3rd century AD में है उसमें मेंशन्ड है। इससे पहले कभी भी पेंटिंग की बात किसी भी पुस्तक में नहीं की गई। जैसे म्यूजिक और डांस के लिए भरत मुनि की नाट्यशास्त्र में सबसे पहले देखने को मिला म्यूजिक, उसी तरह वात्स्यायन की कामसूत्र में हमें पेंटिंग देखने। ये 6 अंग हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। रूप भेद, प्रमाणम, भाव, लावण्य, सदृश्यम, वर्णिका, भोग, है ना, जरूरी नहीं है हमारे लिए। सर आप भी सर की मैरिज में गए थे? अरे कहाँ जा पाए भाई, कोविड चल रहा है, और सर की शादी में जाते तो फिर क्लासेस कैसे लेते आपकी? कि कोविड की वजह से नहीं जा पाया। ठीक है, ये पेंटिंग्स हैं। अब हम देखते हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में मेनली हमें अगर कोई पेंटिंग देखनी है तो वो हमें देखनी है भीमबेटका की पेंटिंग। अभी देख लेंगे उसको।
भीमबेटका की, देखो ऐसी होती है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, अगर आपको देखनी हो तो देखो, इस प्रकार की होती है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। ज़्यादा कुछ पेंटिंग में नहीं बनाते, ऐसा लग रहा है कि जैसे पत्थर पे और नुकीला पत्थर लेके और कुछ प्रकार की आकृतियाँ बना दी गई हैं, दैट इज़ अ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। इससे ज़्यादा कुछ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स में नहीं है, पर इससे हमें ये पता चल जाता है कि उस समय क्या क्या चीज़ें रही होंगी। जैसे हम बात करें भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स की, अब ये रॉक पेंटिंग जो है 30,000 साल पुरानी मानी जाती है, 30,000 साल पुरानी भी इसमें पेंटिंग्स हैं। भीमबेटका कहाँ है, तो भीमबेटका साउथ ऑफ भोपाल मध्य प्रदेश में है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिया गया है। आपको कल मैंने यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट बताई थी, इनटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट है ना, इनटेंजिबल हेरिटेज। एक तो यूनेस्को की ये लिस्ट है जिसमें डांस फेस्टिवल वगैरह आते हैं, और एक है टेंजिबल, टेंजिबल लिस्ट। इसमें क्या आते हैं, इसमें ये सब चीज़ें आती हैं जिसको छुआ जा सकता है, स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, मूर्तिकला, पेंटिंग्स, ये सब टेंजिबल लिस्ट में आती है। तो यूनेस्को की ये जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट हैं उनमें भीमबेटका पेंटिंग्स को रखा गया है, क्योंकि ये 30,000 साल पुरानी है भाई, छोटी मोटी बात थोड़ी है। चाहे कुछ भी बना हुआ हो, पर 30,000 साल पुराना कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेंटिंग्स में क्या है, कुछ नहीं है। पेंटिंग्स जनरली पोर्ट्रेट एवरीडे लाइफ, पेंटिंग में एवरीडे लाइफ के बारे में बताया गया है, वही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए कि एवरीडे लाइफ कैसी थी लोगों की, है ना, कैसे लोग रहते थे। उसके अलावा कई सारे एनिमल्स भी उसमें दिखाए गए हैं, एलिफेंट, डियर, पीकॉक, ठीक है, ये सब उसमें दिखाए गए हैं। लड़ाई के दृश्य भी दिखाए गए हैं कि मैन कैरिंग वेपन्स लाइक बोज एंड एरोज, लोगों ने धनुष बाण हाथ में लिया हुआ है, उस तरीके की कुछ फिगर्स दिखाए गए हैं। उससे पता लगता है कि हाँ उस समय इस टाइप के एनिमल्स रहे होंगे, या धनुष और बाण भी उस समय बन चुके होंगे, ऐसा पता चलता है। इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाता। सोशल लाइफ भी दिखाई है, ठीक है। ये है भीमबेटका पेंटिंग, पूछते रहते हैं लोग, है ना, काफ़ी एग्जाम्स में पूछते रहते हैं व्हाट इज़ भीमबेटका पेंटिंग। भीमबेटका पेंटिंग मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली चट्टानों के अंदर, गुफाओं के अंदर बनी हुई पेंटिंग्स हैं, इसीलिए अभी तक सर्वाइव कर रही हैं क्योंकि गुफाओं के अंदर बनी हुई है, गुफाओं के अंदर बनी हुई पेंटिंग्स हैं जो 30,000 साल पुरानी हैं। उसके अलावा अगर हम इंडिया की मेजर पेंटिंग्स देखें तो उनको दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक तो मुराल पेंटिंग्स और एक मिनिएचर पेंटिंग्स। मुराल मतलब भित्ति चित्र, जो आप ये मान लो कि दीवारों पर बनाए जाते हैं, ऐसे दीवारों पर, बड़ी बड़ी दीवारों पर बनाई जाने वाली पेंटिंग्स, दे आर कॉल्ड एज मुराल पेंटिंग और भित्ति चित्र। और ये मिनिएचर पेंटिंग जो छोटे कागज पे, पत्तों पर, या तो क्या बोलते हैं उसको, ताम्र पत्र पर बनाई जाने वाली पेंटिंग्स हैं ये। तो इंडिया की मुरल पेंटिंग समझ गया ना, मैं बार बार मुरल पेंटिंग का ही नाम यूज़ करूँगा, भित्ति चित्र नहीं बोलूँगा। मुरल पेंटिंग मतलब जो दीवारों पर बनाई जाती है, मिनिएचर पेंटिंग मतलब मिनी पेंटिंग्स जो छोटी बनाई जाती है। तो इंडिया में कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं ये मुराल पेंटिंग्स, सबसे पहले मुराल पेंटिंग्स पढ़ेंगे। तो मुराल पेंटिंग्स कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, सबसे पहले तो अजंता की बात करें, अजंता एलोरा तो सब नाम सुनते ही हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो अजंता, और उसके अलावा आप देखो कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, ये तो हमने सुना ही हुआ है। उसके अलावा अरमामलई केव्स ऑफ तमिलनाडु, रावण छाया रॉक शेल्टर उड़ीसा, बाघ केव्स ये कहाँ है एमपी, सित्तन वसल केव्स ये कहाँ है हमारी साउथ में, तमिलनाडु में, ठीक है। ज़्यादातर इन सब में पेंटिंग्स की थीम रही है हिंदू माइथोलॉजी, बुद्धिस्ट माइथोलॉजी या जैन माइथोलॉजी। ज़्यादातर मुरल पेंटिंग्स जो यहाँ मिली है अजंता और इन सब केव्स में, उनमें ज़्यादातर धर्म के बारे में ही, या तो हिंदू देवी देवता या बुद्धिस्ट कथाएं या जैन संतों साधुओं के बारे में बताया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया की कोई पेंटिंग्स हैं तो अजंता पेंटिंग्स हैं, इनसे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। हजारों बार, हजारों एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है अजंता पेंटिंग्स।
एक तो इनका टाइम निश्चित नहीं है कि कब से कब तक बनी, तो ये मान लेते हैं कि दूसरी शताब्दी बीसी, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईस्वी में के बीच में इनका पीरियड है। इसमें कुल 29 केव्स हैं ना, ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, पर ये बताने की ज़रूरत है कि 29 केव्स में से सिर्फ दो तीन केव्स ही ऐसी हैं जो पुरानी हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी हैं। बाकी ज़्यादातर गुफाएं जो हैं अजंता की, वो गुप्त काल की हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने की है कि अजंता की ज़्यादातर गुफाओं में जो पेंटिंग्स हैं वो गुप्त काल की पेंटिंग है। अदरवाइज अजंता गुफाओं की पेंटिंग्स का काल बहुत लंबा है, करीब 700-800 साल का काल है। पर मेजर अगर हम मानेंगे तो उसमें योगदान किसका मानेंगे? गुप्त काल का। कहाँ है अजंता? तो महाराष्ट्र में है अजंता, अजंता इज इन महाराष्ट्र। इस तरीके की पेंटिंग्स हैं। और अजंता पेंटिंग्स की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ बुद्धिस्ट थीम है, ओनली, ये ओनली ध्यान रखना, ओनली बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट थीम है बस। इसके अलावा ना वहाँ पे कोई जैनियों से लेना देना है, ना कोई हिंदुओं से लेना देना है, ओनली बुद्धिस्ट थीम है अजंता पेंटिंग में। ये चीज़ ध्यान रखना भाई, अजंता और एलोरा में यही डिफरेंस है, अजंता में सिर्फ बुद्धिस्ट थीम है और एलोरा में बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन तीनों थीम है। द वॉल ऑफ द केव्स है बोथ मुराल्स एंड फ्रेस्को पेंटिंग्स। मुराल पेंटिंग मतलब जो दीवारों पे बनाई जाती है, फ्रेस्को पेंटिंग मतलब पेंटेड ऑन द वेट प्लास्टर, मतलब प्लास्टर आपने किया और फिर उसके ऊपर गीले प्लास्टर में ही पेंटिंग जो बन जाती है, फिर वहाँ उकर जाती है, उसको फ्रेस्को पेंटिंग बोलते हैं। तो ये दो तरीके की पेंटिंग्स वहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है, द कॉमन थीम ऑफ दीज पेंटिंग्स रेंज फ्रॉम जताका स्टोरीज, या जातक कथाएं बोल लो इनको हिंदी में, जातक कथाएं। क्या होती है जातक कथाएं? बुद्ध के पुराने जन्मों से रिलेटेड जो कहानियां हैं कि बुद्ध अपने पिछले जन्मों में कैसे रहे होंगे, कैसे थे, क्या क्या जन्म उन्होंने लिए, उनके बारे में जो कथाएं हैं उनको जातक कथाएं बोलते हैं, जताका स्टोरीज। ठीक है, तो मेनली जो पेंटिंग्स हैं वो इन्हीं जताका स्टोरीज के बारे में है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें उसमें बुद्धा की प्रेजेंट लाइफ के बारे में भी बताई गई हैं, बुद्ध का जन्म लेना, बुद्ध का बोधि ज्ञान प्राप्त करना, बुद्ध का प्रथम श्रमण, ये सब चीज़ें उसमें दर्शाई गई हैं। मेनली उसमें जातक कथाएं हैं। ठीक है, क्या क्या है उसमें? सीन्स फ्रॉम जातक स्टोरीज ऑफ बुद्धास फॉर्मर लाइव्स एज अ बोधिसत्वा, द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा, ये सब है बुद्ध की, बुद्ध के पुराने जीवन में बुद्ध कैसे रहे होंगे। तो बुद्ध के पुराने जीवन में बुद्ध बोधिसत्व भी थे। बोधिसत्व आप जानते हो, बोधिसत्व वो होते हैं जो आगे जाकर के बुद्ध बनेंगे, निर्वाण प्राप्त करेंगे, पर अभी निर्वाण प्राप्त नहीं कर रहे हैं और लोगों को मार्ग दिखा रहे हैं, उनको बोलते हैं बोधिसत्व। और महायान संप्रदाय बोधिसत्वों में बहुत मानता है। महायान संप्रदाय ये मानता है कि जो अभी बुद्ध है वो पहले बोधिसत्व जरूर रहा होगा। ठीक है, तो ये बोधिसत्व तो मतलब बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध, वो भी अपने पुराने जीवन में बोधिसत्व रहे होंगे। तो उन्हीं बोधिसत्वों की कहानियाँ या उन्हीं बोधिसत्वों के चित्र अजंता की पेंटिंग्स में काफ़ी दिखाए गए हैं। जैसे मैंने ऊपर आपको एक पेंटिंग भी दिखाई थी, ये पेंटिंग, तो ये पेंटिंग देखो, दिस इज द मुराल ऑफ पद्म पाणी इन अजंता केव्स। तो ये पद्म पाणी जो है ना, ये भी एक तरह से बोधिसत्व ही है। पद्म पाणी कौन है? बोधिसत्व है। बोधिसत्वों की पेंटिंग काफी वहां पे है अजंता में। बोधिसत्व मैंने आपको बता दिया क्या चीज है। उसके बाद ये बोधिसत्व देख लो, पेंटिंग ऑफ वेरियस बोधिसत्वास इन त्रिभंग पोज, जैसे वज्रपाणी भी बोधिसत्व है, मंजुश्री और पद्म पाणी, ये बोधिसत्व हैं। पद्म पाणि का दूसरा नाम अवलोकिटेश्वर भी है। यूपीएससी में पूछा गया है ये, अवलोकिटेश्वर से क्या मतलब है। यूपीएससी में अभी थोड़े टाइम पहले ही पूछा है, अवलोकिटेश्वर कौन है? अवलोकिटेश्वर, अवलोकिटेश्वर जो है बोधिसत्व हैं। तो अजंता की पेंटिंग्स में ये सब दिखाया गया है।
जातक स्टोरीज क्या है मैंने आपको बता दिया. द जातक टेल्स रिलेट्स टू द प्रीवियस बर्थ्स ऑफ गौतम बुद्ध इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म. बुद्ध अपने पुराने जीवन में जानवर भी रहे होंगे, इंसान भी रहे होंगे, तो उनके बारे में है. अगली हम आते हैं एलोरा की गुफाओं पर. एलोरा भी महाराष्ट्र में भाई है ना, औरंगाबाद के पास. तो एलोरा की सभी गुफाओं में पेंटिंग नहीं बनी हुई है, एलोरा की करीब 3 गुफाओं में पेंटिंग बनी हुई है, और उनमें से भी जो मेन गुफा है वो है कैलाश टेम्पल. जो मेन गुफा है वो है कैलाश टेम्पल जिसमें पेंटिंग बनी हुई है, केव नंबर 16. ठीक है, इसमें मेन थीम देख लो आप, द पेंटिंग्स आर रिलेटेड टू ऑल 3 रिलीजन्स, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म. ठीक है, एलोरा केव पेंटिंग्स आर न्यूअर, नई हैं. किसके मुकाबले नई हैं? अजंता की पेंटिंग्स के मुकाबले एलोरा की पेंटिंग्स नई हैं. ठीक, फिर उसके बाद हम आते हैं बाघ की पेंटिंग्स पर. बाघ कहाँ है? ये बाघ है थोड़ा, अगर आप ग्वालियर वाला एरिया देखोगे मध्य प्रदेश में, ग्वालियर के पास है. तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास है बाघ की केव्स, बाघ केव्स. ये भी मेनली अजंता जैसी हैं, दे आर वेरी क्लोज टू एक्चुअल अजंता केव्स. और इसकी भी थीम बुद्धिस्ट ही है. ठीक है, यहाँ पे भी सिर्फ बुद्धिस्ट पेंटिंग्स हैं. ठीक है, और पेंटिंग्स को इस बाघ में, पेंटिंग्स को जो है वो काफ़ी ज़्यादा संसार की वस्तुओं से या लोगों की लाइफस्टाइल से जोड़ करके दिखाई गई हैं, इसलिए माना जाता है कि ये सेक्युलर टाइप की हैं. पर इसकी थीम बुद्धिस्ट ही मानी जाएगी, और कोई धर्म के बारे में इसमें नहीं बताया गया. पर धर्म को और सामान्य जीवन शैली से जोड़ करके ऐसी पेंटिंग्स वहाँ दिखाई गई हैं, इसलिए उसको सेक्युलर पेंटिंग भी कह सकते हैं. इसके अलावा आप देख लो अरमा मलई केव पेंटिंग्स कहाँ है? ये वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है, तमिलनाडु में. बस अब आपको ये ध्यान करना है कौन सी पेंटिंग कहाँ है. अरमा मलई केव पेंटिंग्स गुफाओं में ही हैं ज़्यादातर पेंटिंग्स. अरमा मलई की गुफाएं कहाँ हैं? वेल्लोर में. कहाँ है वेल्लोर? तमिलनाडु में. और इसकी थीम क्या है? जैन. इसको जैन मंदिर में भी बदल दिया गया था बाद में. उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, जैन केव्स सित्तन वसल. जैन केव्स सित्तन वसल केव्स, ये भी कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में है. ये जैनिज्म, जैनिज्म इसकी मेन थीम है. जैनिज्म इसकी मेन थीम है. उसके बाद रावण छाया रॉक शेल्टर. रावण छाया रॉक शेल्टर ये कहाँ है? मैंने आपको बताया था रावण से रिलेटेड चीज़ें जो हैं ज़्यादातर आपको उड़ीसा में ही देखने के लिए मिलेंगी. ओके, तो रावण छाया रॉक, ओके, रावण छाया रॉक टेम्प रॉक शेल्टर जो है वो उड़ीसा में है. द मोस्ट नोटिसेबल पेंटिंग इज दैट ऑफ अ रॉयल प्रोसेशन दैट बैक्स टू 7th सेंचुरी एडी. द रिमेन्स ऑफ चोला पीरियड पेंटिंग बिलोंगिंग टू 11th सेंचुरी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, आपके काम का नहीं है, आपके काम का सिर्फ ये है कि रावण छाया की पेंटिंग उड़ीसा में मिलती है और इसमें मेनली एक शाही रथ यात्रा दिखाई गई है, रॉयल प्रोसेशन है ना, शाही किसी राजा की रथ यात्रा दिखाई गई है इस पेंटिंग्स में, रावण छाया रॉक शेल्टर. ठीक है, उसके अलावा लिपाक्षी मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, उसमें भी पेंटिंग्स हैं, मुराल पेंटिंग्स. लिपाक्षी मंदिर की दीवारों पर देखो ऐसी पेंटिंग्स हैं. उसके अलावा जोगी मारा की गुफाएं कहाँ है? जोगी मारा की गुफाएं छत्तीसगढ़ में हैं. जोगी मारा की गुफाएं छत्तीसगढ़ में, ऐसा कहा जाता है कि जोगी मारा की गुफाएं जो हैं वो किसी मेन बड़े हॉल का एंट्रेंस गेट था, तो उस बड़े हॉल में जाने के लिए लोग अच्छी अच्छी पेंटिंग्स देख करके जाएं, इसलिए उस जोगी मारा की गुफाओं में ये पेंटिंग्स बनाई गई. कहाँ है जोगी मारा की गुफाएं? छत्तीसगढ़ में है भाई. उसके अलावा बादामी केव्स कहाँ है? बादामी कर्नाटक में है, चालुक्यों की राजधानी रही है,
और काफ़ी मंदिर हैं बादामी में, तो वहाँ पे भी गुफाओं में पेंटिंग्स बनाई गई हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये हुई मुराल पेंटिंग्स। नेक्स्ट हम देखेंगे मिनिएचर पेंटिंग्स। मिनिएचर पेंटिंग्स मतलब जो या तो जैसे किताबें जो लिखी गई, तो उन किताबों में जो सीन आते हैं, कोई नाटक लिखा गया मान लो, उस नाटक के सीन का इलस्ट्रेशन देने के लिए पेंटिंग बना के दिखाया गया किताब में, या फिर अलग से ही छोटे छोटे ताम्र चित्रों पर पेंटिंग, या फिर जो स्क्रोल्स होते हैं जिनको ऐसे करके खोल के पढ़ते हैं स्क्रोल में, उसमें पेंटिंग्स बनाई गई, तो इनको हम मिनिएचर पेंटिंग्स बोलते हैं। कहाँ कहाँ की फेमस है देख लेते हैं। अच्छा पहले तो ये देख लो कि हमारी ज़्यादातर मिनिएचर पेंटिंग में इस तरीके की पेंटिंग्स हैं, है ना। क्या है, साइड फेस दिखता है, सामने से फेस जनरली कम ही दिखता है, साइड प्रोफाइल इम्पोर्टेंट है, तो ये लिखा हुआ है इसमें। ये मेंस के लिए है ये लाइन। अगर मेंस में मैं आपको एक टिप्स देता हूँ मेंस के लिए, कि अगर मेंस में कभी भी कोई पेंटिंग का क्वेश्चन आता है ना, तो आप ये लाइन चेप सकते हो, चाहे किसी भी प्रकार की पेंटिंग आए। इन मोस्ट ऑफ द इंडियन मिनिएचर पेंटिंग द ह्यूमन फिगर्स इज सीन विद द साइड प्रोफाइल। मानव चित्रों को साइड प्रोफाइल से दिखाया जाता है, एक साइड से, सामने से नहीं दिखाया जाता, और उनकी आंखें ऐसे बाहर की ओर निकली हुई, बल्जिंग आईज, पॉइंटेड नोज, ऐसे नुकीली नाकें होती हैं, और पतली कमर, ये ज़्यादा दिखाई जाती है। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीलिम्स में तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि फलानी चीज क्या है और वो कहाँ मिलती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिनिएचर पेंटिंग में ये पाला स्कूल ऑफ आर्ट है। देखो मिनिएचर पेंटिंग में हम जो है अलग अलग स्कूल ऑफ आर्ट पढ़ेंगे कि भाई कहाँ कहाँ और किस किस प्रकार की मिनिएचर पेंटिंग्स डेवलप हुई, तो कहाँ कहाँ कौन कौन सी स्कूल्स हैं ना, कौन कौन सी स्टाइल्स हैं पेंटिंग्स की, अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम में अलग अलग प्रकार की पेंटिंग्स बनी, उनको बोलते हैं स्कूल्स ऑफ आर्ट। तो उसमें हम देखते हैं पाला स्कूल ऑफ आर्ट। आपको बताया था पाल साम्राज्य कहाँ है, पाल साम्राज्य लिख के बताओ कमेंट में। पाल साम्राज्य कहाँ बताया था मैंने, पाल साम्राज्य। पाल साम्राज्य इंपॉर्टेंट है इस साल। बताओ भाई कहाँ है पाल साम्राज्य, कहाँ बताया था मैंने पाल साम्राज्य। ईस्टर्न इंडिया, वेरी गुड। ईस्टर्न इंडिया में है पाल साम्राज्य, बंगाल और बिहार में भी, राइट साइड में मगध, थोड़ा सा उड़ीसा का पार्ट, ये सब मिला के पाल साम्राज्य बनता है। और ये बुद्ध धर्म को मानने वाले थे, तो इनकी चित्रकला में भी, इनकी पेंटिंग्स जो होंगी उनमें भी बुद्ध की थीम ही इम्पोर्टेंट होगी, तो ये ध्यान रखना। पाला स्कूल ऑफ आर्ट ईस्टर्न इंडिया की है, 750 से 1150 ईस्वी में है, और इसमें बुद्ध की थीम इम्पोर्टेंट है। दूसरी हम देखेंगे अपभ्रंश स्कूल, अपभ्रंश स्टाइल। अपभ्रंश स्टाइल जो है, अपभ्रंश का मतलब है कि जिसमें ग्रामर, अपभ्रंश जो भाषा है वो ऐसी भाषा है जिसमें ग्रामर की इम्पोर्टेंस नहीं है। तो अपभ्रंश स्कूल ऑफ आर्ट में भी मतलब ये होगा कि जो ज़्यादा सिद्धांतवादी स्कूल नहीं है, है ना, जिसमें ऐसा नहीं है कि ये लकीर ऐसे खींचेगी तो ऐसे ही खींचेगी, ऐसा नहीं है, तो ऐसी स्कूल को नाम दिया गया अपभ्रंश स्कूल। ये कहाँ पर पाई गई ज़्यादा कहाँ पाई गई हैं, गुजरात और मेवाड़ में, वेस्टर्न इंडिया में। कौन सी शताब्दी में, 11th to 15th century। ये पाल स्कूल के बाद की स्कूल है, ठीक है। इसमें मेनली एक तो वैष्णव
एक तो इसमें वैष्णव स्कूल और इसमें एक जैन थी, ये दो थीम मैन है, अपभ्रंश स्कूल में जैन थीम और वैष्णव थीम मैन है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं कि गीत गोविंद जो है, गीत गोविंद एक पुस्तक है जो जो एक पोएट हुए हैं हमारे जयदेव, जयदेव नाम के एक पोएट हुए हैं, इन्होंने ये लिखी है पुस्तक गीत गोविंद। ठीक है, इस पुस्तक में मेनली किसके बारे में बताया गया है? इस पुस्तक में मेनली कृष्ण और राधा, इनके बारे में ये पुस्तक है। तो इस पुस्तक से रिलेटेड, इस पुस्तक की कहानियों से रिलेटेड थीम इस अपभ्रंश स्कूल में ज्यादा देखने को मिलती है। अपभ्रंश स्कूल कहाँ है? गुजरात और मेवाड़ में। इसकी थीम है जैन और वैष्णव। और पाल स्कूल कहाँ है? ईस्टर्न इंडिया में। उसकी थीम है बुद्धिस्ट। ये मिनिएचर पेंटिंग पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो गीत गोविंद की थीम इसमें ज्यादा मिलती है। गीत गोविंद एक पुस्तक है और उस पुस्तक में कृष्ण और राधा की कहानियां हैं। तो कृष्ण और राधा पे बेस्ड ज्यादा पेंटिंग्स हमको गुजरात और मेवाड़ में देखने को मिलती हैं। ये अपभ्रंश स्कूल हो गया। अपभ्रंश स्कूल के अगर आपको मोस्ट फेमस एग्जांपल देखना है तो कल्पसूत्र और कलकचर्य कथा, ये 15वीं शताब्दी की लिखी गई पुस्तकें हैं। पुस्तकों में कहानियां भी होती थी और उनको उनको इलस्ट्रेट करने के लिए पेंटिंग्स भी बना करके दिखाते थे। उसके बाद मिनिएचर पेंटिंग हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर। दिल्ली सल्तनत के अंदर आपको पता है सब लोगों ने अपने नामा लिखे, हुमायूं नामा, अकबर नामा, जहांगीर नामा, शाहजहां नामा। तो उन सभी पुस्तकों में इलस्ट्रेशन के लिए पेंटिंग्स की बहुत इंपॉर्टेंट रही। सॉरी, दिल्ली सल्तनत में नहीं, वो मुगल में है। मैंने मुगल और दिल्ली सल्तनत में कंफ्यूज कर दिया। दिल्ली सल्तनत में भी पुस्तकें तो लिखी गई थी, आपको पता है। इब्न बतूता आए थे, उन्होंने रिहला पुस्तक लिखी थी और भी लोगों ने उस समय पुस्तकें लिखी होंगी। तो उन पुस्तकों में पेंटिंग्स काम आती थी। तो दिल्ली सल्तनत के समय की सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक जिसमें पेंटिंग्स हैं वो है नीमतनामा, ये ध्यान रख लेना आप। दिल्ली सल्तनत के टाइम में पेंटिंग्स वाली कोई सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है वो है नीमतनामा। ये खाना बनाने की कला पर आधारित पुस्तक है और ये किसके समय में लिखी गई? तो मालवा की राजधानी है मांडू, आपको बताया था मैंने, मालवा की राजधानी मांडू और वहां पे राज्य करने वाले नासिर शाह, इनके समय में नीमतनामा पुस्तक लिखी गई जिसमें पेंटिंग्स काफ़ी सारी बनाई गई हैं और ये दिल्ली सल्तनत के काल का समय समय है। ठीक है, उसके बाद मुगल की बात करें तो मुगलों का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत सारे नामा लिखे गए, अकबर नामा, हुमायूं नामा वगैरह, सब पुस्तकों में आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। और इन मुगलों की पेंटिंग में सबसे ज़्यादा क्या बनाते थे, ये मैंने कल परसों जब क्लास हुई थी तब आपको बताया था। मुगल अपनी पेंटिंग्स में ज़्यादातर क्या बनाते थे? हंटिंग सीन है ना, शिकार वाले, या उनका कोर्ट रूम दिखाते थे जिसमें बादशाह गद्दी पर बैठा हुआ है और इस तरीके का कोर्ट रूम दिखाते थे। ये सब मुगलों ने अपनी पेंटिंग्स में दिखाया। तो मुगल अपनी पेंटिंग्स अपनी पुस्तकों में बनाते थे। सबसे पहले हम बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं आपको पता है कि शेर शाह सूरी से हार करके ईरान चले गए थे और फिर ईरान से जब वो वापस आए तो अपने साथ दो पेंटर्स को लेकर के आए। उन दो पेंटर्स का नाम, आई एम सॉरी अबाउट दैट, कि मैंने जब आपको पहले पढ़ाया था मुगल काल मिडेवल हिस्ट्री में, तो उन दो पेंटर्स का नाम मैंने आपको गलत बता दिया था। हुमायूं जो अपने साथ दो पेंटर्स लेकर के आए थे उनका नाम था अब्दुस समद और मीर सैयद अली। ठीक है, ये नाम ध्यान कर लीजिए आप। हुमायूं जब ईरान से वापस आए तो अपने साथ इन दो पेंटर्स को लेकर के आए थे, अब्दुल समद और मीर सैयद अली। इन दो पेंटर्स ने मिलकर के और
स्तुति नामा एक पुस्तक काफ़ी फेमस हुई है, इसका बहुत ज़्यादा अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया गया है। ये संस्कृत की पुस्तक थी स्तुति नामा, ठीक है। ये जो है एक तोते की कहानी है, तो इसको ना अलग अलग लैंग्वेजेस में अनुवाद किया गया। अकबर के समय में जब इस पुस्तक का अनुवाद हुआ तो उस अनुवादित पुस्तक में बहुत सारे चित्र बनाए गए और वो चित्र इन दोनों ने बनाए थे, अब्दुल समद और मीर सैयद अली। ये जो है हुमायूं अपने साथ इनको ईरान से लेकर के आए थे। मैंने जो आपको दो पेंटर्स बताए, वो दो पेंटर्स एक्चुअली अकबर के कारखाने में थे। तो अकबर ने पेंटिंग्स के लिए एक एंटायर डिपार्टमेंट बना रखा था, एक अलग से कारखाना बना रखा था जिसमें पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स बनवाई जाती थी, ठीक है। और उन अकबर के कारखाने में सबसे इम्पोर्टेंट पेंटर्स थे एक तो अपने दसवंत, बसवन और केशु। ये तीन इम्पोर्टेंट पेंटर्स थे अकबर के कारखाने में। अकबर के टाइम में कई सारी पुस्तकें बनी, तूती नामा, हमजा नामा, अनवर सुहेल, गुलिस्तान ऑफ सदी, खुद अकबर नामा, आईन अकबरी, इन सब पुस्तकों में काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनाई गई। अकबर के काल में सबसे इम्पोर्टेंट पेंटिंग के अंदर कोई सुधार हुआ तो वो थे थ्री डायमेंशनल फिगर्स, ठीक है। एक पिक्चर को जब हम किसी कागज़ में बनाते हैं तो थ्री डायमेंशनल दिखना चाहिए। ये शुरुआत अकबर के टाइम से हुई थी। पहले तो नॉर्मल ऐसे लीपा पोती कर देते थे, कहीं से वो थ्री डायमेंशनल नहीं लगती थी। अकबर के समय से थ्री डायमेंशनल फिगर्स की शुरुआत मानी जाती है। और उसके अलावा फोर शॉर्टिंग, चीज़ों को पर्सपेक्टिव में दिखाने के लिए कि कौन आगे है कौन पीछे है, इस प्रकार से चीज़ों को एक कागज़ पर दिखाने के लिए जिस टेक्निक का पेंटिंग के अंदर यूज़ होता है उस टेक्निक का नाम है फोर शॉर्टिंग टेक्निक। तो अकबर के समय की देन है ये फोर शॉर्टिंग और थ्री डायमेंशनल फिगर्स। उसके अलावा आपको बताया था मैंने कि पेंटिंग अपने चरम सीमा पर पहुंची जहांगीर के काल में। जहांगीर के काल में पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाना चालू हो गया, राजा खड़ा होता था और पेंटर आकर के उसकी पेंटिंग बनाया करते थे। जहांगीर की पेंटिंग की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डेकोरेटेड मार्जिन्स। जो पेंटिंग होती थी उसमें जो मार्जिन बनते थे वो मार्जिन बहुत डेकोरेटेड होते थे, उसमें सोना तक जड़वा दिया जाता था। तो ये जहांगीर ने पेंटिंग में बहुत नाम कमाया। जहांगीर खुद भी अपने आप में एक अच्छे पेंटर थे और जहांगीर के समय के सबसे अच्छे पेंटर थे उस्ताद मंसूर, ठीक है। तो हमने याद कर लिए हुमायूं लेकर के आए थे अब्दुल समद को, और अकबर के टाइम में पेंटर्स थे दसवंत, बसावन और केशु, और हुमायूं के सॉरी जहांगीर के समय में पेंटर थे आपके मंसूर, ठीक है। वीडियो क्वालिटी मेरी तरफ से एकदम बेस्ट है भाई, ठीक है। आप अपनी वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर लो, आप अपनी 480 पिक्सल कर लो, वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही है, मेरे को तो अच्छी दिख रही है। मैंने अपने फ़ोन में चला रखी है, वीडियो क्वालिटी इज वेरी गुड, सब कुछ एकदम क्लियर दिख रहा है ना। आप क्या कीजिए अपने फ़ोन में ना अपनी वीडियो क्वालिटी को 480 कर लीजिए, अगर थोड़ा सा आपको ख़राब दिख रहा है। ओके, तो ये सब हमने पेंटिंग पढ़ी मुगलों की। अब हम थोड़ी रीजनल पेंटिंग्स पढ़ लेते हैं। रीजनल पेंटिंग्स में दो पेंटिंग्स का नाम सबसे इम्पोर्टेंटली लिया जाता है और वो हैं राजस्थानी पेंटिंग्स और पहाड़ी स्कूल। राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग और पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग में आपको पेंटिंग्स मिलेंगी कहाँ कहाँ, बहुत सारी जगह पर। राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग में आपको मिलेंगी मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, बस नाम ध्यान रख लो, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा। आमेर जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसको ढूंढार स्कूल ऑफ पेंटिंग भी कहा जाता है, इम्पोर्टेंट नहीं है ये चीज़ें। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, और मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर ही दो पेंटिंग्स, दो स्कूल ऑफ पेंटिंग बहुत बड़ी राजस्थान में उभर कर के आई, वो है किशनगढ़ स्कूल और बूंदी स्कूल, और उनमें भी किशनगढ़ स्कूल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो राजपूत स्टाइल की पेंटिंग में
अगर कोई पेंटिंग इम्पोर्टेंट है तो वो मैं मानता हूँ किशनगढ़ स्कूल है, क्योंकि किशनगढ़ स्कूल ने हमें एक ऐसी पेंटिंग दी है जो इंडिया की मोनालिसा कहा जाती है। मोनालिसा फ्रांस के म्यूजियम में ये पेंटिंग है, पिकासो ने बनाई है ना, पिकासो ने बनाई है कि दा विंसी ने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई है जो फ्रांस के म्यूजियम में है। एक बहुत सुंदर सी स्त्री की फोटो है। तो इंडिया में भी एक पेंटिंग बनी किशनगढ़ स्कूल में, कहाँ, अजमेर के पास है किशनगढ़, तो वहाँ पे एक पेंटिंग बनी बनी ठनी, उस पेंटिंग का नाम है बनी ठनी पेंटिंग। ये इंडिया की मोनालिसा कहा जाती है, ठीक है। इसको बनाने वाले पेंटर थे आपके निहाल चंद, इसको बनाने वाले पेंटर कौन थे, निहाल चंद। और ये उस समय किसके संरक्षण में बनी, तो राजा सावंत सिंह थे उनके संरक्षण में बनी। तो आपको ये चार चीज़ें ध्यान रखनी है, किशनगढ़ स्कूल की बनी ठनी पेंटिंग, बनी ठनी इज द मोनालिसा ऑफ इंडिया, बनी ठनी पेंटिंग को बनाने वाले निहाल चंद द पेंटर, और उनको संरक्षण प्रदान करने वाले राजा सावंत सिंह। बारिश होने लग गई हमारे यहाँ पे। ठीक है, ये है बनी ठनी, देखो भाई इंडिया की मोनालिसा, दिस इज द बनी ठनी। और आपको एक चीज और बता दी जाए कि राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग और आगे हम अगली पढ़ेंगे पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये दोनों ही स्कूल ऑफ पेंटिंग जो हैं इनमें कृष्ण और राधा की थीम बहुत इम्पोर्टेंट है, गीत गोविंद की थीम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादातर पेंटिंग में जो थीम यूज़ की गई थी वो थी गीत गोविंद। गीत गोविंद एक पुस्तक है, मैं फिर से बता देता हूँ, जो एक कवि हुए हमारे जयदेव, उन्होंने लिखी है, हिंदी में है गीत गोविंद, और इसमें राधा और कृष्ण की थीम है। तो यही थीम उठा करके और हमारी पेंटिंग्स में भी लाई गई, कहाँ की पेंटिंग्स में, जो राजपूतों ने बनाई, राजपूतों ने ज़्यादातर जो पेंटिंग बनाई वो कृष्ण और राधा की थीम पर ही बनाई। और ये जो दोनों स्कूल है ना, राजस्थान स्कूल और पहाड़ी स्कूल, इन दोनों में राजपूत राजाओं का ही शासन था, और इन्होंने कृष्ण और राधा की थीम को इम्पोर्टेंस दिया। और इस राजस्थान स्कूल में एक है किशनगढ़ स्कूल, इस किशनगढ़ स्कूल में एक निहाल चंद नाम के पेंटर हुए जिन्होंने राजा सावंत सिंह के संरक्षण में बनी ठनी पेंटिंग बनवाई। ये कहानी है। उसके अलावा एक बूंदी स्कूल भी है जिसको हाड़ोती स्कूल भी कहा जाता है, इसमें भी कृष्ण की थीम है। तो ये सब है। राजपूत स्टाइल और मुगल स्टाइल में क्या डिफरेंस है, तो राजपूत स्टाइल मेनली जो है कृष्ण और राधा की थीम पर थी, और मुगल स्टाइल जो है सेक्युलर स्टाइल थी, इसमें ज़्यादातर राजाओं के पोर्ट्रेट बनाए गए और शिकार करता हुआ या राजा दरबार में बैठा हुआ है ऐसे सीन बनाए गए, ये इसमें है। दोनों का टाइम पीरियड अलग है। ऐसा कहा जाता है कि जो राजपूत स्कूल हैं दोनों, राजस्थान वाली भी और पहाड़ी वाली भी, ये दोनों स्कूल जो हैं मुगलों से इन्होंने प्रेरणा ली है, मुगल पेंटिंग से प्रेरणा ली है इन्होंने, क्योंकि मुगल पेंटिंग पहले की है। मुगल पेंटिंग आपकी 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी की है, और फिर उसी टाइम 17वीं 18वीं शताब्दी में राजस्थान की पेंटिंग्स भी हैं और पहाड़ी पेंटिंग्स भी हैं। ठीक है, तो पहाड़ी स्कूल कहाँ डेवलप हुई, पहाड़ी नाम से समझ में आ रहा है पहाड़, तो सब हिमालयन स्टेट्स में, जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर जो राजपूत राजा पहुँच गए थे उनके संरक्षण में ये पेंटिंग्स बनी। इसमें भी दो स्कूल इम्पोर्टेंट हैं, एक तो बशोली स्कूल और एक कांगड़ा स्कूल। और उसमें भी जैसे राजस्थान में किशनगढ़ इम्पोर्टेंट है, उसी तरह पहाड़ी स्कूल में ये कांगड़ा स्कूल इम्पोर्टेंट है। किशनगढ़ स्कूल के मैंने आपको पेंटर बताया निहाल चंद, उन्हीं का नाम याद रखना है, और किसी पेंटर का नाम याद नहीं रखना आपको। मुगल काल के भी मैंने आपको पेंटर बताया, मंसूर जहांगीर के समय में, अकबर के समय में दसवंत और बसवन और केसु, और हुमायूं के समय में मीर सैयद, क्या नाम था उनका, अब्दुल समद, ये पेंटर्स आपको याद रखने हैं।
किशनगढ़ स्कूल में आपको निहाल चंद याद रखने हैं जिन्होंने बनी ठनी बनाई, और ये कांगड़ा स्कूल में और पहाड़ी स्कूल में अगर आपको कोई पेंटर्स के नाम याद रखने हैं तो वो है पेंटर नैनसुख, अच्छी पेंटिंग बनाते थे, नैनों को सुख मिलता था, नैनसुख, मनाकू और संसार चंद, ये राजा थे खुद, ये खुद राजा संसार चंद थे। इनके नाम का म्यूजियम भी है जिसमें इनकी काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं। तो राजा संसार चंद थे, खुद भी पेंटर थे और पेंटर्स को संरक्षण भी देते थे। ओके, गीत गोविंद इनकी मेन थीम रही है, राधा कृष्ण इनकी मेन थीम रही है। कांगड़ा स्कूल भी राजपूतों का ही राज्य था और उनकी भी क्या मेन थीम रही है, कृष्ण, ठीक है, लव सीन ऑफ कृष्ण बहुत इंपॉर्टेंट थे। कृष्ण कृष्ण और राधा की ऐसी मूर्तियां, ऐसी पेंटिंग्स बनाना बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था। एक कांगड़ा स्कूल में जैसे जैसे किशनगढ़ स्कूल में बनी ठनी थी, ध्यान रहेगा ना आप, किशनगढ़ स्कूल में पेंटिंग जो थी उस पेंटिंग का नाम था बनी ठनी, उसी तरह कांगड़ा स्कूल की जो इम्पोर्टेंट पेंटिंग है वो है 12 मंथ्स। उसमें क्या हुआ है, ये ग्रुप ऑफ पेंटिंग्स हैं ना, 12 पेंटिंग्स हैं और इन 12 पेंटिंग्स में अलग अलग पेंटिंग में अलग अलग महीने बताए हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये 12 महीने बताए हैं और हर एक महीने में एक किसी व्यक्ति के इमोशंस कैसे रहते हैं उसके बारे में इस पेंटिंग में दर्शाया गया है। तो कांगड़ा स्कूल की पेंटिंग है 12 मंथ्स। बस ये दो ही पेंटिंग याद रखनी है आपको, बनी ठनी और 12 मंथ्स, और बाकी एक नीमतनामा याद रखना है, नीमतनामा जो दिल्ली सल्तनत के समय था, और फिर उसके बाद जहांगीर ने काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स बनवाई, अकबर ने काफ़ी अच्छी पेंटिंग बनवाई। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस मुग़ल बादशाह ने पेंटिंग बनाने के लिए एक अलग से कारखाना रखा था, वो थे अकबर। उसके बाद साउथ इंडिया की मिनिएचर पेंटिंग देख सकते हो आप तंजोर में, तंजोर की पेंटिंग जिसमें जो फेमस फॉर गोल्ड कोटिंग थी, गोल्ड की कोटिंग लगा देते थे, ये देखो आप, ये पेंटिंग बनाते थे और फिर इसके ऊपर थोड़ा सोना चढ़ा देते थे ताकि पेंटिंग में और खूबसूरती आती थी। मैसूर की पेंटिंग, ठीक है, ये सब आप देख सकते हो, इसमें कुछ खास नहीं है इसलिए मैंने अंडरलाइन नहीं किया। उसके अलावा हम हमारे मॉडर्न पेंटर्स देखते हैं, ठीक है, मॉडर्न पेंटर स्वतंत्रता काल के और उसके बाद के हम पेंटर्स देखते हैं, तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम माना जाता है राजा रवि वर्मा, ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन पेंटिंग। काल देखो इनका 1848 से 1906, ये राजा रवि वर्मा जो है ये थे ट्रावनकोर के राजा। ट्रावनकोर आपको पता है केरल को कहा जाता है, तो ट्रावनकोर के राजा थे और ये वेस्टर्न पेंटिंग से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। राजा रवि वर्मा इज़ वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट पेंटर, हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न टेक्निक, इन पर वेस्टर्न टेक्निक से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। ही इज़ कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट। इनकी मेजर पेंटिंग के नाम हैं लेडीज इन द मूनलाइट, शकुंतला, दमयंती एंड स्वान। उसके अलावा रावण किडनेपिंग सीता एंड किलिंग जटायु, ये रावण जो है वो सीता को किडनी, ये रावण देखो आपको अगर दिख रहा हो इसमें तो ये रावण है, ये सीता का अपहरण करके लेके जा रहे हैं और इन्होंने जटायु को मार दिया। तो ये वाली जो पेंटिंग है ये राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है। राजा रवि वर्मा जो वेस्टर्न टेक्निक से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, ट्रावनकोर केरल के राजा थे, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट कहा जाता है। इनकी एक ये फेमस पेंटिंग है रावण किडनैपिंग सीता एंड किलिंग जटायु, ये इनकी फेमस पेंटिंग है, और इनकी फेमस पेंटिंग है लेडीज इन मूनलाइट, ठीक। उसके अलावा ये तो हो गए साउथ में केरल में, और रिसेंट टाइम में बंगाल के अंदर जो पेंटर्स हुए उनमें हमको तीन चार पेंटर्स के नाम याद रखने हैं। एक तो सबसे फेमस अवनींद्रनाथ टैगोर जिन्होंने स्वदेशी अभियान जो चला था ना हमारा, स्वदेशी आंदोलन 1905, इस समय में काफ़ी सारी पेंटिंग्स इन्होंने बनाई थी लोगों को जागृत करने के लिए।
इनकी सबसे इम्पोर्टेंट दो पेंटिंग्स हैं, एक तो भारत माता की पेंटिंग इन्होंने बनाई, और एक इनकी पेंटिंग है अरेबियन नाइट्स। ठीक, राजा रवि वर्मा की कौन सी पेंटिंग है मॉडर्न इंडियन आर्ट में? लेडीज इन द मूनलाइट। राजा रवि वर्मा की लेडीज इन द मूनलाइट, और इनकी है अरेबियन नाइट्स। इनकी भारत माता है अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता, और राजा रवि वर्मा की है रावण किडनैपिंग सीता। अच्छा, राजा रवि वर्मा वेस्टर्न टेक्निक से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, अवनींद्रनाथ टैगोर ऐसा नहीं थे। अवनींद्रनाथ टैगोर जो है वो स्वदेशी वैल्यू इन इंडियन आर्ट एंड ट्राई टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न मटेरियलिस्टिक स्टाइल। ठीक है, वो बाहर की पश्चिमी सभ्यता की जो स्टाइल है उसका प्रभाव भारतीय कला पर कम करना चाहते थे, और भारत की ओरिजिनल कला जो पेंटिंग की है उसको बढ़ाना चाहते थे। राजा रवि वर्मा से एकदम उलट, एक थे हमारे पेंटर नंदलाल बोस। इन्होंने ये देखो ये वाला चित्र बनाया था, सफेद काले काले पर्दे पर सफेद गांधी। ये किस बात का प्रतीक है? ये है कि उस समय पूरी दुनिया अंधकार में थी और गांधी जी जो है वो रोशनी की किरण बनकर के आए। तो ये जो स्केच है ये नंदलाल बोस का काफ़ी फेमस स्केच है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट कॉपी बनी थी और उसके कवर पेज पे भी जो पेंटिंग बनाई थी, या उसके हर एक पेज पर भी आप देखो अच्छी सी कुछ पेंटिंग्स बनी हुई हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओरिजिनल कॉपी है उसके कवर पेजेस पे और उसके अंदर हर एक पेज पे बॉर्डर्स बनी हुई हैं, उसमें कुछ स्टाइल बनाई हुई है, ये सब नंदलाल बोस ने किया था। तो आपको ये पेंटर्स ध्यान रखने भाई। तो ये इंडिया की पेंटिंग्स हमने देखी। अब हमें कुछ फोक पेंटिंग्स भी देखनी है। जैसे हमने म्यूजिक में पहले क्लासिकल म्यूजिक देखा, म्यूजिक के बारे में सारा समझा, और फिर हमने देखा कि लोक संगीत हर एक जगह छोटी छोटी जगहों पर किस किस प्रकार का संगीत प्रचलित है वो हमने देखा। तो उसी तरह पेंटिंग्स में हमने मेजर देख लिया, भीमबेटका से शुरू किया, फिर अजंता, फिर एलोरा, फिर उसके बाद मुगलों की पेंटिंग, फिर राजपूतों की पेंटिंग, फिर उसके बाद ही मॉडर्न पेंटिंग, सब देख लिया ना हमने। देखो आपको मैं बताऊँ, हमने भीमबेटका से चालू किया था पेंटिंग में, हमने भीमबेटका से चालू किया था भीमबेटका, फिर उसके बाद हमने अजंता देखी, ये गुप्त हमें गुप्त काल की थी, फिर इसके बाद हमने एलोरा देखी, ये उसके बाद की थी, फिर उसके बाद हमने मुगलों की पेंटिंग देखी, फिर मुगल के बाद हमने राजपूतों में देखी किशनगढ़ स्कूल, कांगड़ा स्कूल, फिर उसके बाद हमने मॉडर्न पेंटर्स देखे राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, ये सब हमने देखा। इसके अलावा हमें कुछ लोक चित्रकलाएँ भी देखनी है, फोक पेंटिंग्स। उनमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सी पेंटिंग कहाँ होती है, ज़्यादा याद भी नहीं रहेगा आपको। तो सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें मधुबनी पेंटिंग। ये इस प्रकार की पेंटिंग है, देखो भाई एकदम 2D है, 3D का कोई नामो निशान नहीं है इसमें। तो ये मधुबनी पेंटिंग कहाँ है? काफ़ी फेमस पेंटिंग है ये बिहार के मधुबनी इलाके की, मिथिला में, बिहार में जो मिथिला वाला इलाका है, चंपानेर है ना, चंपानेर वाला इलाका है शायद जहाँ मिथिला बोली जाती है, तो वो वाला इलाका जो है उसमें ये मधुबनी पेंटिंग काफ़ी फेमस है। इस तरीके की पेंटिंग्स हैं, मोटी मोटी आँखें, और इसमें जो है बनाने के लिए राइस पेस्ट का यूज़ करते हैं। दीज आर पेंटेड ऑन वॉल्स। ये ध्यान रखा जाए कि जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं ये मुराल पेंटिंग्स हैं। मधुबनी पेंटिंग जो हैं ये कैसी हैं? भीति चित्र हैं ये। मधुबनी पेंटिंग्स आर द मुराल पेंटिंग्स, पर अब इनको मिनिएचर में भी बनाया जाने लगा। मिनिएचर मतलब कागज पे या ताम्र पत्रों पर भी इनको बनाया जाने लगा, पर ओरिजिनली ये क्या थी? मुराल पेंटिंग्स थी। दीवारों पर बनाई जाती थी, जैसे कच्चा मकान है उसकी गोबर लेप करके और उस पर दीवार कर दी गई और फिर उस दीवार पर ये पेंटिंग बना दी गई, ऐसा पहले किया जाता था। पर अब क्योंकि पेंटिंग फेमस हो गई है तो ये कपड़ों पर भी बना दी जाती है और उसके अलावा कागज़ पे भी बना दी जाती है, ऐसा कुछ है। ठीक है,
Traditionally, these were painted on walls. किसका यूज करके? यूजिंग राइस पेस्ट एंड वेजिटेबल कलर्स. ठीक है, फूल पत्तियों से कलर्स बना करके और चावल का पेस्ट बना करके उससे बनाई जाती थी ये. ठीक है, ऑन अ बेस ऑफ काउडंग एंड मड. विद टाइम द बेस चेंज टू हैंडमेड पेपर क्लॉथ एंड कैनवास. उसके अलावा आप देखो पट्ट चित्र पेंटिंग उड़ीसा की है इस प्रकार की. इसमें जगन्नाथ की थीम होती है, ये ध्यान रखना है आपको. कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग बताऊंगा, वो जरूर ध्यान रखना है कि वो पेंटिंग कहाँ पाई जाती है. जैसे अभी मैंने आपको जैसे बताई मधुबनी पेंटिंग, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती हैं वो फोक पेंटिंग्स ही होती हैं, कि कौन सी पेंटिंग कहाँ मिल रही है. तो सबसे पहले मैंने आपको बताई मधुबनी पेंटिंग कहाँ मिल रही है, बिहार में. उसके बाद पट्ट चित्र पेंटिंग कहाँ मिल रही है, उड़ीसा में. उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान है पुरी के अंदर, तो इसमें जगन्नाथ की रथ यात्राएं, या ये देखो भी ये जगन्नाथ बैठे हुए हैं, बीच में सीता है, बलराम है. ठीक है, उनकी इसमें थीम ज़्यादा होती है. ये जो है मिनिएचर पेंटिंग है, क्लॉथ पर बनाई जाती है. आप थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखते जाओ पेंटिंग में कि कौन सी पेंटिंग मिनिएचर है और कौन सी पेंटिंग मुराल पेंटिंग है ना, इतना सा ध्यान रखना है. जैसे मधुबनी पेंटिंग है वो ट्रेडिशनली मुराल पेंटिंग है, ट्रेडिशनली उनको दीवारों पे बनाया जाता था. उसी तरह मुगल काल की पेंटिंग्स कौन सी हैं, तो मुगलों ने कभी दीवारों पर पेंटिंग नहीं बनाई, उन्होंने जनरली पेंटिंग कपड़ों पर बनाई, स्क्रोल पर बनाई. ठीक है, ये किताबों में बनाई, तो उनकी मिनिएचर पेंटिंग है. तो ऐसा ध्यान रखते जाओ. तो ये जो आपकी पेंटिंग आपने पढ़ी अभी पट्ट चित्र पेंटिंग, ये उड़ीसा की पेंटिंग है और ये मिनिएचर पेंटिंग है, दीवारों पर नहीं बनाई जाती, कपड़े पर बनाई जाती है. इसमें जगन्नाथ की थीम इम्पोर्टेंट है. और अगर ये पट्ट चित्र पेंटिंग कपड़े पर ना बना करके और पाम लीफ पर बनाए, पाम लीफ, पाम का जो पेड़ होता है उस पेड़ की पत्तियों पर, बड़ी बड़ी पत्तियाँ आती हैं, उन पत्तियों पर अगर ये चित्र बनाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं ताल पट्ट चित्र. पट्ट चित्र पेंटिंग बता रहा हूं मैं आपको, कहाँ की है पट्ट चित्र पेंटिंग? पट्ट चित्र पेंटिंग है उड़ीसा की, जगन्नाथ भगवान इसके मेन आधार हैं. अगर ये पेंटिंग क्लोथ पर बनाई जाती है तो ये कहलाती है पट्ट चित्र, और अगर ये पाम लीफ पर बनाई जाती है तो ये कहलाई जाती है ताल पट्ट चित्र. उसके अलावा पटुआ, पटुआ कला बंगाल की कला है, पटुआ बंगाल, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा. पेटकर पेंटिंग यह है ट्राइबल पीपल ऑफ झारखंड, झारखंड की जनजातियां जो हैं वो पेंटिंग बनाती है ऐसी पेटकर पेंटिंग. ठीक है, ये स्क्रोल पेंटिंग भी है. ऐसे स्क्रोल आपको समझ में आ गया होगा, वो जैसे ऐसे बंद जाता था और फिर ऐसे खुल जाता है, दैट इज कॉल्ड ए स्क्रोल. स्क्रोल पे बनाई जाती हैं ये पेटकर पेंटिंग्स, झारखंड की हैं. जनजातियाँ दिखी रही हैं आपको इसमें, आदिवासी लोग दिख रहे हैं, उन्हीं की पेंटिंग्स हैं. कलमकारी पेंटिंग, नाम से ये समझ में आ रहा है, कलम मतलब पेन से बनाई जाती थी. कहाँ बनाई जाती हैं? आंध्र प्रदेश में. किस पर बनाई जाती हैं? कागज पर बनाई जाती हैं ना. पेन जो होता है, द पेन यूज्ड फॉर दिस कलमकारी पेंटिंग इज मेड ऑफ शार्प पॉइंटेड बैम्बू. बम्बू जो होता है उसको लेकर के उसका कलम बनाया जाता है, और फिर उस कलम से कॉटन फैब्रिक पर, कपड़े पर, और ये कलमकारी की जाती है, पेंटिंग बनाई जाती है ना. ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, कलमकारी पेंटिंग कहाँ की? आंध्र प्रदेश की पेंटिंग है. उसके अलावा वारली पेंटिंग, नाम याद रख सकते, वारली तो नाम याद रहना भी चाहिए. जैसे बॉम्बे में जो है वारली नाम की शायद एक जगह भी है, वोरली, आपने सुना होगा मूवीज वगैरह देखते होंगे तो काफ़ी नाम आ जाता है बॉम्बे की, तो लगभग सभी जगहों के नाम हमने सुने हुए हैं मूवीज़ में. तो वोरली नाम की एक जगह है मुंबई में, उसी से हम कनेक्ट कर सकते हैं कि वारली पेंटिंग कहाँ की है, गुजरात और महाराष्ट्र की, मेनली महाराष्ट्र. थंका पेंटिंग, कल अपन ने थंगता सुना था, थंगता, बताओ जल्दी से व्हाट इज थंगता.
फिर उसके बाद में बताऊंगा व्हाट इज थंग का। बताओ जल्दी से व्हाट इज थंग ता। व्हाट इज थंग ता। बहुत बढ़िया। थंगता इज द मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ मणिपुर। वेरी गुड, आई लाइक इट। आप लोगों ने बताया आंसर, अच्छा लगा मुझे। तो थंगता जो है ये मार्शल आर्ट फॉर्म है मणिपुर की, और ये थंगका जो है, थंगका ये सिक्किम की पेंटिंग है। थंगका इज द पेंटिंग ऑफ सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, ये पहाड़ों के जो एरियाज हैं, जम्मू कश्मीर से शुरू करो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा जो हिमालय के नीचे वाला एरिया है, यहाँ पर ये पेंटिंग मिलती हैं, थंगका पेंटिंग। और इनकी मेन थीम बुद्धिस्ट थीम है ना, तो याद रख लेना ये इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। थंगता और थंगका तो हमें याद रहना ही चाहिए, थंगता और थंगका इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा प्लीज़। उसके बाद मंजूषा पेंटिंग भागलपुर के बिहार रीजन की है, थर्ड पेंटिंग राजस्थान की है, चेरियल पेंटिंग तेलंगाना की है, ठीक है, अब आपको नाम ध्यान रखने पड़ेंगे, पिठोरा पेंटिंग, ये सब आप देख लीजिएगा कौन सी पेंटिंग कहाँ पर है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार, सोरा पेंटिंग, दैट्स इट। तो ये आपकी होगी पेंटिंग्स, ठीक है। आज के लेक्चर में मेन तो पेंटिंग ही है, उसके बाद तो सब फिर छोटा मोटा है। तो पेंटिंग्स हमने देख ली, कोई डाउट है पेंटिंग में, पेंटिंग वाले चैप्टर में कोई डाउट है, कुछ पूछेंगे आप? चलिए, किसी ने कुछ नहीं पूछा, अब हम पढ़ लेते हैं थोड़े से इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछे भी नहीं जाते, फिर भी मैं आपको थोड़ा मोड़ा बता देता हूँ कि हैंडीक्राफ्ट में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे ग्लासवेयर, जो कांच के सामान बनाए जाते हैं, जैसे कांच की चूड़ियाँ हो गई या कांच के बीड्स हो गए, मोती, ये सब ग्लासवेयर पढ़ेंगे। तो ग्लासवेयर जो है ये याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी ग्लासवेयर की बात नहीं है ना, ये हम देखते रहना चाहिए हमें, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है क्या नहीं है, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ग्लास, कांच, शीशा, इसकी कोई बात कहीं नहीं है, ठीक। ग्लासवेयर की सबसे पहली बात होना ही चालू कहाँ हुई, वैदिक काल में। और सबसे पहले अगर किसी ने ग्लासवेयर की बात करी किसी पुस्तक ने, तो वो थी महाभारत, ठीक है। महाभारत में इस चीज़ की बात की गई, कांच की, शीशे की बात की गई, पर कांच जो है गंगा वैली जो 1000 BC में वैदिक काल में थी, तब से इसकी बातें चालू हो गई थी, इसका काम चालू हो गया था। सेंटर फॉर ग्लास इन उत्तर प्रदेश इज द सिटी ऑफ सहारनपुर। सहारनपुर है उत्तर प्रदेश में ग्लास का सेंटर, और उसमें ये बनते हैं पंचकोड़ा। तो UPSC कई बार पूछ लेता है कि ये स्पेशल कोई चीज़ हो, जैसे पंचकोड़ा, तो पंचकोड़ा क्या है, ये बच्चों के खिलौने हैं, किसके, ग्लास के। कहाँ बनाए जाते हैं, सहारनपुर में।
उसी तरह शीशे के एक तरह से मोती, शीशे के बीड्स या शीशे की बिंदियां, जिनको टिकुली कहा जाता है, टिकुली, ये बिहार पटना में और काफी फेमस है, तो ध्यान रखना। उसके अलावा टाई एंड डाई, टाई एंड डाई मतलब बंधेज, कि कपड़ों को ऐसे बांध करके और डाई करके जो कपड़ा बनाया जाता है उसको बंधेज बोला जाता है, बंधनी या बंधेज। तो बंधेज कहाँ कहाँ के फेमस हैं? एक तो हमारे यहाँ जयपुर का ही बंधेज काफ़ी फेमस है, ठीक है, उसको बंधेज ही बोला जाता है। और एक ही तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इसमें भी एक बंधेज बनता है, वो होता है इकत, उसका नाम है इकत। उसके अलावा कलमकारी, कलमकारी हमने पेंटिंग देखी ना, पेंटिंग की कलमकारी, पेंटिंग किस पे की जाती थी? कपड़े पर की जाती थी, ठीक है, तो वो कपड़े पर पेंटिंग करके और कपड़े को खूबसूरत बनाया जाता था, तो ये थी कलमकारी। ये भी एक तरह से ये हैंडीक्राफ्ट भी बोल सकते हो आप कलमकारी को, क्योंकि कपड़े पर और पेन से और कुछ गोद करके कुछ बनाया जाता था, अच्छा सुंदर लगता था, तो इसको आप हैंडीक्राफ्ट भी बोल सकते हो और इसको पेंटिंग भी बोल सकते हो। तो कलमकारी इज द पेंटिंग फेमस इन आंध्र प्रदेश। ये है देखो कलमकारी। इसके अलावा आप देख सकते हो ये तेलिया रुमाल, तेलिया रुमाल जो है ये आंध्र प्रदेश से ज़्यादा तेलंगाना में फेमस है। नाम भी याद रहेगा, तेलिया और तेलंगाना रिलेटेड है, तो तेलिया रुमाल ये कहाँ का हैंडीक्राफ्ट है? रुमाल ही है, ये नाम में भी रुमाल है, एक्चुअल में भी रुमाल ही है। रुमाल टाइप एक कपड़ा है जिसमें बहुत अच्छी और पेंटिंग या बहुत अच्छा उस पर नक्काशी की जाती थी, तो वो है तेलिया रुमाल, कहाँ? तेलंगाना में। उसके अलावा अजरक पेंटिंग गुजरात में, ठीक है। उसके अलावा ये आपकी है पिछवई पेंटिंग्स राजस्थान में, जडुआ जाडू पटुआ पेंटिंग झारखंड में, और थिग्मा जम्मू कश्मीर में। ये भी टाई एंड डाई है एक तरह से, टाई एंड डाई मतलब बंधेज। तो ये थिग्मा जो बंधेज है ये जम्मू और कश्मीर का बंधेज है, जडू पटुआ ये झारखंड का है। हमने ऊपर पटुआ पेंटिंग भी देखी है ना, या पेटकर पेंटिंग्स भी देखी है। पेटकर पेंटिंग्स आपको पता है, पेटकर पेंटिंग झारखंड की, पेटकर, और ये पटुआ पटुआ पेंटिंग ये भी झारखंड की है। पिछवई पेंटिंग ये भी झारखंड, ये सॉरी ये राजस्थान की है। एक्चुअली पेंटिंग को हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? ये जैसे हमने कलमकारी ऊपर देखा, कलमकारी पेंटिंग भी है पर कपड़े भी की जाती है, तो अगर कोई चीज़ कपड़े पे की जा रही है और कपड़े को सुंदर बनाया जा रहा है तो वो हैंडीक्राफ्ट भी हो गया। तो ये आप दो चार नाम जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ना, बस उन्हीं को देख लो, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ रीजनल साड़ियाँ, साड़ियाँ भी हिंदुस्तान में आपको पता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक साड़ियाँ बहुत पहनी जाती हैं। तो ट्रेडिशनल साड़ियाँ कहाँ की है? पोचमपल्ली की साड़ी आंध्र प्रदेश में, पटोला की साड़ी गुजरात के पाटन में बनती है, बालूचरी मुर्शिदाबाद में, तंचोई, तंचोई की साड़ी, ये बनारस की जो साड़ियाँ हैं उनको हम बोलते हैं तंचोई ब्रोकेट्स, चंदेरी की साड़ी तो यूपीएससी में पूछी भी हुई है, चंदेरी, चंदेरी साड़ियों के लिए फेमस है। कहाँ है चंदेरी? मध्य प्रदेश में। तो ये आप देख सकते हो, जमदानी देख सकते हो, जमदानी पेंटिंग्स भी हैं, एक्चुअली पेंटिंग्स भी हैं, कपड़ों पर पेंटिंग की जाती है और फिर पेंटिंग करके और बढ़िया साड़ियाँ बनती हैं, दैट इज इन वेस्ट बंगाल। उसके अलावा फिर एम्ब्रॉयडरी देख सकते हो आप, एम्ब्रॉयडरी पता है जरी का काम जो किया जाता है, एम्ब्रॉयडरी जिसको बोलते हैं जरी का काम, तो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जरी जो फेमस है वो है फुलकारी। फुलकारी मतलब फूल बनाए जाते हैं, कहाँ? पंजाब में, फुलकारी। उसके अलावा पिपली, ये भी एक तरह से एम्ब्रॉयडरी है, पिपली, पिपली एम्ब्रॉयडरी, कहाँ? उड़ीसा में, ठीक है। और भी आप देख, गोटे का काम राजस्थान में, हमारे यहाँ काफी होता है गोटे का काम। उसके अलावा चिकनकरी, ये लखनऊ की है एम्ब्रॉयडरी, लखनऊ में आपने देखा होगा। उसके अलावा कशीदा, ये भी एक तरह से क्या है? दिस इज एम्ब्रॉयडरी है, कश्मीर में की जाती है कपड़ों पर, ठीक है। तो ये सब हैंडीक्राफ्ट्स हैं,
और तो कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। आइवरी कार्विंग्स और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है हैंडीक्राफ्ट में, बस इतना ही है जो आप देख लेना, बाकी मैं आपको दे दूंगा। मेटल क्राफ्ट वगैरह कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। एक कोफ्तगिरी, नक्काशी, ये जो है मैं आपको दे दूंगा अंडरलाइन करके, आप देख लेना। जो भी एक आध दो लाइन कहीं पे बीच में कोई इम्पोर्टेंट होगी मैं आपको हाईलाइट करके दे दूंगा, आप पढ़ लेना। कुछ खास नहीं है, क्वेश्चन कभी आते नहीं हैं इनसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेरिटेज, इंटेंजिबल हेरिटेज। अब हम देखेंगे यूनेस्को's लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। इंडिया की कौन कौन सी चीजें हैं जो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में हैं? हेरिटेज साइट्स देखेंगे हम कि कौन कौन, क्योंकि हम हेरिटेज, इंटेंजिबल हेरिटेज है वो तो कल देख चुके हैं, इंटेंजिबल हेरिटेज ये हम कल देख चुके हैं। अब आज हम देखेंगे टेंजिबल हेरिटेज। टेंजिबल हेरिटेज मतलब जिसको हाथ लगा करके छुआ जा सकता है, दैट इज टेंजिबल, टेंजिबल हेरिटेज। तो कौन कौन सी जगह हैं जो यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड की हैं? काफ़ी सारी हैं वो, कल तो हमने सिर्फ 13 ही देखी थी, पर आज हम काफ़ी सारी जगह देखेंगे जो यूनेस्को ने अपनी, इंडिया की जगह देखेंगे। ऐसे तो यूनेस्को की लिस्ट बहुत लंबी है, पर इंडिया की कौन सी जगह है, कौन सा हेरिटेज इंडिया का टेंजिबल हेरिटेज जो यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है? इसमें भी दो प्रकार हैं जी, इसमें भी दो प्रकार हैं। एक तो है कल्चरल और एक है नेचुरल। एक जो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए है और एक जो मानवीयकृत सौंदर्य के लिए है, कल्चरल। जल्दी से देख लेते हैं, देखो 1983 में सबसे पहले अजंता केव्स, ये तो है ही इम्पोर्टेंट, इंडिया की सबसे प्रमुख धरोहर है भाई अजंता केव, ताजमहल, एलोरा की गुफाएं और आगरा फोर्ट, इनको यूनेस्को ने शामिल किया सबसे पहले 1983 में। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट कि यूनेस्को ने सबसे पहले इंडिया की किस साइट को अपनी हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया, तो वो है अजंता की गुफाएँ, ताजमहल, एलोरा की गुफाएँ और आगरा फोर्ट, और इसमें भी सबसे ऊपर अजंता की गुफाएँ। फिर उसके बाद 1984 में सन टेंपल उड़ीसा का, हमने देखा सन टेंपल उड़ीसा का, कौन सी शैली का है ये, नगर शैली का टेंपल है। उसके अलावा महाबलीपुरम के ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, महाबलीपुरम किसने बसाया था, पल्लवों ने बसाया था महाबलीपुरम, तो इसमें कई सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। उसमें से मैंने आपको बताया था शोर टेंपल, मैंने आपको बताया था सप्तरथ मंदिर, मैंने आपको बताया था, है ना। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है, वो है अर्जुनाज पीनेंस और डिसेंट ऑफ द गेंगिस, ठीक है। यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा सा पत्थर है महाबलीपुरम में, बहुत बड़ा सा ऐसा पत्थर है, और उसमें ऐसा बताया गया है कि अर्जुन जो है वो अपना दर्द बयान कर रहे हैं। महाभारत की लड़ाई से पहले जो अर्जुन ने अपना दर्द बयान किया हुआ था ना, उस कहानी को उकेर करके एक बहुत बड़े पत्थर पर दर्शाया गया है महाबलीपुरम के अंदर, ठीक है। तो वो है, और उसी को डिसेंट ऑफ गंगेस भी कहते हैं कि गंगा बहती हुई आ रही है, वो उस समय उसमें वो सब कुछ उकेरा हुआ है, तो उसी को अर्जुनास पीनेंस भी बोलते हैं, अर्जुन का दर्द बोल लो या फिर गंगा का उतरना, डिसेंट ऑफ गंगेस। एक तो वो है, ये कहाँ है, महाबलीपुरम में, और शोर टेम्पल महाबलीपुरम में, ठीक है। ये सब यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में है। उसके अलावा चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, गोवा के चर्च, खजुराहो के मंदिर आपको बताए थे मैंने, कंदरिया महादेव, विश्वनाथ टेंपल, पार्श्वनाथ टेंपल, लक्ष्मण टेंपल, 64 योगिनी टेंपल, नाम याद रख लेना ये खजुराहो के मंदिरों का, ये सब मंदिर खजुराहो में हैं, चंदेला राजाओं ने बनवाए थे, ठीक। फतेहपुर सीकरी अकबर का, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, हम्पी के अंदर मैंने आपको बताया विजयनगर, हम्पी मतलब विजयनगर, तो विजयनगर के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सब भी यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में हैं। क्या क्या है हम्पी के अंदर, वीरूपक्ष मंदिर, लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर, हेमकुंड ग्रुप ऑफ टेंपल, ये सब हैं। विट्ठल, विट्ठल मंदिर हमने देखा था, हजारा राम मंदिर हमने देखा था,
लोटस महल हमने देखा था, तो ये सब हैं। उसके अलावा एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में बॉम्बे के पास है। उसके अलावा पत्तदकल मैंने आपको बताया था, चालुक्य जो थे, बादामी के चालुक्य, उनके मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पे पत्तदकल में। पत्तदकल, ऐहोल और बादामी, ये चालुक्यों ने बसाए हुए हैं। तो इसी पत्तदकल में एक वीरूपक्ष मंदिर है, पापनाथ मंदिर है, ये सब भी यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में है। उसके अलावा चोला के मंदिर आपको बताए गए थे, बृहदेश्वर मंदिर तंजोर का, तो याद रखना बृहदेश्वर मंदिर द्रविड शैली का सबसे उत्कृष्ट मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर तंजोर के अंदर। और उसके अलावा ये एरावटेश्वर का मंदिर दरासुराम में, तमिलनाडु में, ये सब यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में है। उसके अलावा बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स में क्या क्या आएंगे, स्तूप वगैरह आएंगे, मेनली पिलर्स आएंगे, तो मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप, ठीक, शुंग पिलर, श्री सत्कर्णी इंस्क्रिप्शन, ये सब यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में है। उसके अलावा फिर नेक्स्ट 1983 नहीं है, ये 89 के बाद 83 कहाँ से आ गए, इट शुड बी 93, ये गलत है। तो 93 में फिर आप हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, ये देख चुके हैं हम, कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार के अंदर जो भी मोनूमेंट आते हैं जैसे अलई दरवाज़ा, कुवत उल इस्लाम मॉस्क, ये सब और शामिल किए गए हैं। फिर दार्जिलिंग हिमालय के अंदर जो रेलवे बनाई है ना इंडिया ने, ये मेरे को लगता है कि शायद ब्रिटिशर्स ने बना दी थी ये रेलवे, तो ये रेलवे भी यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल की गई है, दार्जिलिंग हिमालय रेलवेज। उसके अलावा महाबोधि, बोध गया के अंदर महाबोधि टेम्पल है, जिसमें थोड़े टाइम पहले बम ब्लास्ट भी हुआ था, वो भी इंक्लूड किया गया। भीमबेटका हम आज देख ही चुके हैं, भीमबेटका की पेंटिंग्स, ये भी हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। अच्छा, बॉम्बे का छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनस, कई लोग अगर बॉम्बे गए होंगे तो, वैसे तो यूपी और बिहार से जाने वाली ज़्यादातर गाड़ियाँ इसी टर्मिनल पे जाती है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। पहले इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनल था, अब इसका नाम वीटी था, पहले इसका नाम वीटी नाम ज़्यादा प्रचलित है वहाँ पे, वीटी, और अब वो सीएसटी हो गया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये भी यूनेस्को की लिस्ट में है। उसके अलावा गुजरात का चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये भी है, नीलगिरी माउंटेन रेलवेज, ऊटी में, ये ऊटी के साइड में नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, और वहाँ पे जो रेलवे बनी हुई है वो भी यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में है। दिल्ली का लाल किला, आगरे का लाल किला पहले ही आ चुका है, ठीक है, कालका से शिमला जाने वाली रेलवे लाइन, जंतर मंतर जयपुर का, जंतर मंतर जो है दिल्ली में भी है, पर दिल्ली वाला नहीं, जयपुर वाला, ये यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में है। अच्छा, राजस्थान के 6 किले, 6 हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, कौन कौन से 6 किले, चित्तौड़गढ़ का किला, रणथंभौर का किला, कुंभलगढ़ का किला, आमेर, जयपुर है ये आमेर, आमेर का किला, जैसलमेर का किला और गागरों का किला। फिर उसके अलावा 2014 में रानी की वाव है ना, ये एक स्टेप वेल है, मतलब सीढ़ियों वाला कुआ है गुजरात के अंदर, ये ऐड किया गया, ठीक है। और चंडीगढ़ जो पूरा शहर है वो किसने बनाया था आपको पता है, एक आर्किटेक्ट थे ली कॉर्बूजियर, ये ली कॉर्बूजियर आर्किटेक्ट थे, इन्होंने चंडीगढ़ शहर बनाया था, और इस पूरे शहर को यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया है। नालंदा महाविद्यालय, अहमदाबाद की हिस्टोरिक सिटी, जयपुर सिटी, ठीक है, और मुंबई का विक्टोरियन गोथिक, मुंबई में एक पारसी इलाका है जहाँ पे ये विक्टोरियन टाइम्स की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं गोथिक स्टाइल की, वो सब जो है यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया। तो देखो 2019 तक 32 चीज़ें हैं, 2019 तक 32 कल्चरल साइट्स जो हैं वो यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर रखी हैं, ठीक है। उसके अलावा जब एनवायरनमेंट पढ़ेंगे हम, तो एनवायरनमेंट में नेचुरल साइट्स भी देखेंगे, मानस
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा नेशनल पार्क, केवला देव नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, ये हम एनवायरनमेंट में देखेंगे। ओके, तो ये कुछ आठ हैं, ये एनवायरनमेंट में हम देख लेंगे। तो ये हो गया आपका वर्ल्ड हेरिटेज। उसके अलावा अब हमें क्या पढ़ना है भाई? अब हमें पढ़ना है इंडिया की फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स सिर्फ 5 मिनट में हो जाएगा, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ फेयर्स एंड फेस्टिवल, ये तो सब हम जानते हैं ना, दिवाली, होली और ओणम, पोंगल, ये सब तो मैं नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है, ये फेमस फेस्टिवल्स हैं, ये पूछती भी नहीं है यूपीएससी। यूपीएससी अगर कोई फेस्टिवल पूछेगी तो नॉर्थ ईस्ट का पूछेगी, जम्मू कश्मीर का पूछेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुको, ये चैप्टर नंबर 20 है ना। चैप्टर नंबर 20 कहाँ गया, एक सेकंड, ये चैप्टर नंबर 19 आ गया, इसके बाद देखेंगे चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नंबर 20 दैट इज फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें भी सिर्फ हम नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल्स देखेंगे भाई। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल्स हम देखेंगे बस, और सिर्फ ये देखेंगे कौन सा फेस्टिवल कहाँ है, फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। वैसे तो याद आपके रखना है, मैं बस आपको एक बार बता देता हूँ, इसमें याद रखना ही इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्थ ईस्ट के हम फेस्टिवल देखते हैं। सागा दावा फेस्टिवल, सागा दावा फेस्टिवल कहाँ पर है? ये सिक्किम का फेस्टिवल है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, सिक्किम में मेनली बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी इसको मनाती है। फिर लुसुंग फेस्टिवल है ना। आप क्या करना, नॉर्थ ईस्ट में आपको 8 स्टेट मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट में आपको 8 स्टेट्स मिलेंगे, 8 स्टेट्स लिख लेना, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, 8 स्टेट मिलेंगे। हर एक स्टेट के आगे उसके फेस्टिवल्स, उसके डांसेस लिख लेना, तो रिवीजन करने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो हमने अभी इसके जस्ट पहले देखा सिक्किम का फेस्टिवल सागा दावा। ठीक है, फिर लुसुंग, ये भी सिक्किम का फेस्टिवल है। बिहू कल हमने देखा था, असम का डांस है और असम का फेस्टिवल भी है। हॉर्नबिल बहुत फेमस है, ये तो याद ही होना चाहिए ना, नागालैंड का, कई बार 26 जनवरी की परेड में इसका प्रदर्शन भी किया गया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का। मोत्सु मोंग फेस्टिवल नागालैंड का, कौन सी जनजातियों का? आओ ट्राइब। मोत्सु मोंग फेस्टिवल इज द फेस्टिवल ऑफ ए आओ ट्राइब ऑफ नागालैंड। खार्ची पूजा, खार्ची पूजा इज द फेस्टिवल ऑफ त्रिपुरा। चेराओबा फेस्टिवल इज ऑफ मणिपुर। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, कंफ्यूज मत होना, कल मैंने आपको बताया था चीरो डांस, ये मिजोरम का है। चीरो डांस इज ऑफ मिजोरम, और ये चिरोबा जो फेस्टिवल है ये मणिपुर का है। एक जैसे लग रहे हैं चिरो और चिरोबा। चिरोबा फेस्टिवल इज ऑफ मणिपुर, चिरो डांस इज ऑफ मिजोरम। चिरो के साथ मैंने आपको चैप्चर कट फेस्टिवल भी बताया है, चैप्चर कट, ये फेस्टिवल भी मिजोरम का है। चिरो डांस और चैप्चर कट फेस्टिवल ये मिजोरम के हैं, बाकी ये चेरोबा फेस्टिवल ये मणिपुर का है। उसके अलावा वांगला फेस्टिवल, ये मेघालय की एक ही चीज आई है, अभी तक मेघालय का ना हमने कोई डांस देखा है ना कुछ देखा है, मेघालय का एक ही चीज देख रहे हैं। मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंती, उसमें गारो की जो ट्राइब है उसके द्वारा मनाया जाने वाला वंगाला फेस्टिवल मेघालय। मेघाला ऐसे याद रख लो, मेघाला वंगाला, मेघाला वंगाला। कांग चिंगबा, अभी हमने चेरबा देखा ना ऊपर, चेराबा, उसी तरह लैंग्वेज से समझना पड़ेगा भाई, एक याद कर लिया अब 10 थोड़ी याद करेंगे। तो चेराबा चिंगबा ये मणिपुर के हैं।
अम्बुबाची मेला, ये कामाख्या मंदिर में, गुवाहाटी, गुवाहाटी में कामाख्या का मंदिर है वहां मनाया जाता है अम्बुबाची मेला। ड्री फेस्टिवल याद रखना भाई, ड्री इंपॉर्टेंट है, ये अरुणाचल प्रदेश की एक ट्राइब है, आपातानी ट्राइब, उनके द्वारा मनाया जाता है ड्री। लोसर फेस्टिवल, ये भी अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है, दैट्स इट, बस यही है। फेयर हमें याद नहीं रखने, कुंभ मेला और ये सब हमें याद नहीं रखने हैं, सोनेपुर मेला कभी नहीं पूछा जाता, छोड़ो। ठीक है, तो ये मैंने आपको सब पढ़ा दिया, इसके अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको अंडरलाइन करके, और सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को, जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं ना, उन्हीं चैप्टर्स को मैं इसमें से कट करके और जो अंडरलाइन चीज हैं उसको करके आपको भेज दूंगा। ओके, सो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। एनी डाउट? लोग तो ऑलरेडी चले ही गए हैं, सिर्फ 7 लोग बचे हैं, हम 7 में से भी एक तो मैं हूँ, तो 6 लोग हो आप बस, बाकी लोग चले गए हैं, सबको काम होते हैं अभी सैटरडे को। ठीक है, चलिए चलें फिर, चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज टेस्ट। कल वही अपना टाइम रहेगा, 6 से 7 टेस्ट रहेगा, ऑफिस 7 बजे आपका आंसर की दे दी जाएगी, 8 बजे से अपना डिस्कशन रहेगा। यार देखो गुलाम, पीडीएफ हिंदी में है ही नहीं, मिल ही नहीं रही है इसकी पीडीएफ हिंदी में, तो आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है क्या इंग्लिश के अंदर? क्योंकि ऐसा इसमें कोई स्टोरी टाइप कुछ नहीं है, ना कोई इसमें ऐसी टर्म्स हैं जो कठिन हैं और आपको याद रखनी है। जैसे मैंने आपको पूरा हिस्ट्री के हिंदी के नोट्स दिए, आगे एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक के भी मैं आपको हिंदी में नोट्स दूंगा, पर आर्ट एंड कल्चर में मुझे ज़रूरत ही नहीं लग रही हिंदी करने की। आपको अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बताओ, मैं टाइम निकालूंगा फिर, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनका मैं खुद हिंदी ट्रांसलेशन करके आपको दूंगा, क्योंकि बुक तो मुझे कहीं नहीं मिल रही है पीडीएफ इसकी हिंदी में, या तो फिर आप इसकी ऐसा करो हार्ड कॉपी खरीद लो, और जो मैंने अंडरलाइन करके आपको भेजा है ना उसी को आप उसमें बुक में पढ़ो, पर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बहुत महंगी बुक है, बहुत मोटी बुक है और पढ़ना ज़्यादा इसमें से है नहीं, इसलिए मेरे हिसाब से जो इंग्लिश में है उतना ही पढ़ लो। ठीक है, सब कुछ है यार सेकंड एडिशन में, एवरीथिंग इज देयर इन सेकंड एडिशन, मैंने खुद ने अपनी पढ़ाई सेकंड एडिशन से करी है, ये तो मेरे को थर्ड एडिशन अभी मिला है, पर जब मैंने एग्जाम अपना दिया था तब मैंने खुद ने सेकंड एडिशन से पढ़ाई कर रही है, और मुझे यही सब चीज़ें वहाँ भी थी, अभी भी यहाँ पर भी यही है, सो कोई घबराने की बात नहीं है, अगर सेकेंड एडिशन भी है तो भी कूल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं फिर कल के डिस्कशन में, अच्छे से कीजिएगा टेस्ट, मिडाइवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, सिर्फ इसी के क्वेश्चंस होंगे, दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।